एक बार फिर से हम लोग अपने विनीत द्विवेदी के केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आपके साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बच्चों आने वाले जेई एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से आपकी तैयारियाँ चली होंगी। सो बहुत दिनों के से हम लोगों के वीडियोज़ में गैप हो गया था, लेकिन अब बहुत जल्दी जल्दी हम लोग अपने वीडियोज़ में वापस जल्दी जल्दी वीडियोज़ को अपलोड करेंगे और जिससे कि आपकी तैयारी में हेल्प हो जाए। सो आज मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ और ये है बच्चों सॉलिबिलिटी का। जेई मेन और नीट एंट्रेंस एग्जाम में अगर मैं बात करता हूँ तो सॉलिबिलिटी को लेकर के बहुत सारा हमारे पास सवाल कई बार बना हुआ है और एडवांस लेवल पे हमें इसके कंसेप्ट को लेकर के कई बार मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो पहले तो आपको क्या करना है, आपको तो पहले जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉलिबिलिटी पूछी जा सकती है पहले आपने उनको पहले याद रखना होगा। सो पहले हम इनकी सॉलिबिलिटी को याद रखने के बारे में कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि जिससे याद कर पाएं और उसके बाद में समझेंगे कि ये सॉलिबिलिटी का ऑर्डर क्यों आ रहा है। सो पहले तो बच्चों आइए हम लोग फैक्ट पे आते हैं कि भाई सॉलिबिलिटी का ट्रेंड क्या है। सो अगर मैं बच्चों ग्रुप वन एलिमेंट्स में आता हूँ सो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे एक ही ट्रेंड देखने को मिलता है कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी हमारी इंक्रीज करती है। बच्चों याद रखिएगा ग्रुप वन एलिमेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को यही ट्रेंड देखने को मिलता है कि डाउन द ग्रुप चीज़ों की सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर रही है। अब नॉर्मली हमसे क्या क्या पूछा जाता है, नॉर्मली हमसे पूछा जाता है कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स या फिर क्लोराइड्स वगैरह, ये सब। याद रखिए बच्चों डाउन द ग्रुप जाने पर सॉलिबिलिटी हमारी इनमें बढ़ रही है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं ग्रुप टू कंपाउंड्स के लिए। ग्रुप टू कंपाउंड्स में हम क्या पा रहे हैं, कुछ चीज़ें बच्चों कुछ चीज़ों की सॉलिबिलिटी नीचे जाने पर कम हो रही है। ओ माय गॉड, ग्रुप वन में आपने देखा था बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर बच्चों कुछ चीज़ों की सॉलिबिलिटी नीचे जाने पर कम हो रही है और कुछ चीज़ों की सॉलिबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ रही है। सो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी सॉलिबिलिटी नीचे जाने पर कम हो रही है, दे आर कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स। इनकी सॉलिबिलिटी बच्चों नीचे जाने पर कम हो रही है और इसके विपरीत हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड, इनकी सॉलिबिलिटी बच्चों नीचे जाने पे बढ़ रही है। सो पहले तो हम लोग जरा कुछ कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को अपने मन में दिमाग में बिठा पाएंगे। सो देखिए कुछ चीज़ों को अगर आप फोकस करें तो आप ये पाएंगे ग्रुप वन में तो भाई मोर और लेस हर जगह नीचे जाने पर सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर हमारा मॉलिक्यूल में आयनिक बिहेवियर बढ़ता जाता है। याद रखिए बच्चों जैसे जैसे कैटायन बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू फजांस रूल उसमें कोवलेंट बिहेवियर कम होता जाएगा और कोवलेंट बिहेवियर कम होगा मतलब आयनिक बढ़ेगा, आयनिक बिहेवियर बढ़ने से पानी में सॉलिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। सो ग्रुप वन कंपाउंड में दोस्तों सीन क्या हो रहा है, नीचे जाने पे आयनिक बिहेवियर बढ़ रहा है, नीचे जाने पे दोस्तों आयनिक बिहेवियर बढ़ रहा है जिसके कारण हमारी वाटर में सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। याद रखिए बच्चों ग्रुप वन कंपाउंड में सारे मॉलिक्यूल्स में सारे सॉल्ट्स में ऑलमोस्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स इन सभी में सॉलिबिलिटी नीचे जाने पर हमारी बढ़ रही है। लेकिन जब हम ग्रुप टू कंपाउंड्स में आ रहे तो वहां पर सीन क्या है दोस्तों, ग्रुप टू कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कौन कौन, भाई कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट, यार इनमें एक चीज कॉमन है क्या, ये सब के सब बड़े एनायन हैं। बच्चों ग्रुप टू में क्या हम पा रहे हैं, बड़े एनायन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, बहुत सारे एटम्स हैं। कार्बोनेट में एक कार्बन तीन ऑक्सीजन, बाइकार्बोनेट में एक हाइड्रोजन एक कार्बन तीन ऑक्सीजन, सल्फेट में एक सल्फर चार ऑक्सीजन। सो ये सब बड़े एनायंस, जो बड़े एनायंस वाले हैं उनमें आप क्या पा रहे हैं कि उनमें यार नीचे जाने पर सॉलिबिलिटी कम हो रही है। ग्रुप टू में उल्टा है, ग्रुप टू में बच्चों नीचे जाने पे सॉलिबिलिटी कम हो रही है और जो छोटे एनायंस हैं लाइक क्लोराइड, लाइक हाइड्रोक्साइड, इनमें बच्चों नीचे जाने पे सॉलिबिलिटी हमारी बढ़ रही है। अच्छा अगर लेट्स से बच्चों आपको ये याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप एक चीज तो याद कर ही लोगे, आप सबको ये चीज याद होना चाहिए कि भाई बेरियम सल्फेट एक बहुत बड़ा प्रेसिपिटेट होता है। बेरियम सल्फेट का दोस्तों व्हाइट कलर का प्रेसिपिट होता है और ये एक ऐसा प्रेसिपिट है जो ना नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल होता है ना अमोनिया में, ये किसी भी चीज में बच्चों डिसॉल्व नहीं होता है। सो बेरियम सल्फेट एक बहुत भयानक वाला प्रेसिपिट है, बेरियम कार्बोनेट एक बहुत भयानक वाला प्रेसिपिट है, बेरियम बाइकार्बोनेट एक बहुत भयानक वाला प्रेसिपिट है। सो बेरियम के सॉल्ट्स कौन से सॉल्ट बच्चों, याद रखना बड़े वाले सॉल्ट्स, बेरियम के बड़े वाले सॉल्ट्स बच्चों बहुत बहुत भयानक प्रेसिपिट होते हैं। सो दैट मीन्स बच्चों नीचे वाले कंपाउंड्स के प्रेसिपिटेट हैं, दैट मींस नीचे वाले कंपाउंड की सॉलिबिलिटी कम होगी। कब याद होगा, याद रखना बच्चों बड़े एनायंस में। और जब मैं छोटे एनायंस में आता हूं लाइक हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, तो इसमें भी बच्चों आपको याद रखना होगा बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता कैसे है। जब आपने मोल कंसेप्ट में सवाल किए होंगे तो आपने बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनाया कैसे होगा, दोस्तों बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है जब हम बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं।
जब हम बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन में सोडियम सल्फेट डाल देते हैं तो ऐसे में हमारा बेरियम सल्फेट बनता है. सो दैट मीन्स बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, इट्स एन एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन होता है तो ये सॉल्युबल होता है. इसके विपरीत अगर आप याद करें तो बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पिंक कलर का जेलुसिल एंटासिड, पिंक कलर की डाइजीन, क्या ये सॉल्युबल होती है? नहीं, वो तो सस्पेंशन होता है. दैट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होता है. सो दैट मीन्स आगे वाले बंदा इनसॉल्युबल है, पीछे वाला बंदा सॉल्युबल है. कब की बात करो, जब एनायन आपका छोटा है. सो इन केस ऑफ छोटे एनायन एल्कलाइन मेटल में नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, और इन केस ऑफ बड़े एनायन नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो रही है. एल्कलाइन मेटल्स में बस इतना याद रखेंगे. सो मोर ऑर लेस याद करने की चीजें पहले आपको बच्चों ध्यान रखनी है. एल्कली मेटल्स में अगर आप वीडियो को पीछे जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ग्रुप में बच्चों नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, और एल्कलाइन मेटल्स में ग्रुप में नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो रही है व्हेन द एनायन इज लार्ज, और ग्रुप में नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है व्हेन द एनायन इज स्मॉल. तो ये बच्चों पहले तो हमारा फैक्ट हो गया, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये पूरा का पूरा मैंने एक जगह बच्चों सॉर्ट आउट करके रख दिया है, आपके लिए बहुत काम की चीज है. अच्छा, इसमें ये ऐसा ट्रेंड बच्चों हो क्यों रहा है दोस्तों, ये चीज हमारी हो क्यों रही है दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी. आइए मैं आपको उसके कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ. सो गाइस, अगर मैं आपको सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट के बारे में बताऊं तो पहले आपको ये समझना होगा किसी भी आयनिक सॉलिड को जब हम डिसॉल्व करते हैं सो आपने दो काम करने होते हैं. लेट्स से हमारे पास NaCl है, सो आपने पहले बच्चों Na प्लस और Cl माइनस को अलग करना है. सो पहले बच्चों आपने आयनिक सॉलिड के आयंस को अलग करना है, और उसके बाद दोस्तों आपने इन आयनिक सॉलिड्स के आयंस को पानी में डिसॉल्व करा देना है. सो दोस्तों समझिएगा, किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो पहले आपने आयंस को अलग करना है और उसके बाद उन आयंस को पानी में डुबो देना है. ये दो प्रक्रियाओं से ही दोस्तों हमारी सॉल्युबिलिटी होती है. अब दोस्तों यहां पर पहली चीज जरा समझिएगा, अगर आयनिक सॉलिड में जो आयंस है आपके बहुत टाइटली बंधे हुए हैं तो ऐसे केस में आपको उनको अलग करना, और अगर अलग नहीं होंगे तो वो पानी में डूबेंगे भी नहीं, तो ऐसे केस में बच्चों आयंस को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ये टर्म होता है हमारा क्या, लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी बच्चों हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है, आयंस के बीच के फोर्स को. कैटायन और एनायन कितनी ताकत से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ये बच्चों हमारा लैटिस एनर्जी होता है. इसके बाद आयंस जब अलग हो गए हैं तो उनको पानी में डिसॉल्व करने पर जो एनर्जी निकलती है, पानी के साथ जब वो डिसॉल्व होते हैं, पानी के साथ जब वो बॉन्ड बनाते हैं, तो उसमें जो एनर्जी निकलती है वो जो एनर्जी होती है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी. दोस्तों समझिएगा, पानी में उनको कितना मजा आ रहा है, आयंस को पानी में आयंस कितने अच्छे से डिसॉल्व हो रहे हैं, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी. सॉल्युबिलिटी के लिए द अल्टीमेट कंसेप्ट इज कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी, हमारी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सॉल्ट शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी. अगर बच्चों सॉल्ट की हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा, और अगर बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी दैट मींस आयंस को पानी में मजा नहीं आ रहा है वो कम है, और लैटिस एनर्जी आयंस के बीच के फोर्सेस ज्यादा हैं, तो ऐसे केस में आपके लिए आयंस को डिसॉल्व करना मुश्किल होगा. सो द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर बच्चों सॉल्युबिलिटी इज हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी मोर देन लैटिस एनर्जी. अगर ऐसा है तो आपका कंपाउंड बच्चों सॉल्युबल होगा, और अगर इसके उल्टा है तो बच्चों आपका आयनिक सॉलिड इनसॉल्युबल होगा. ये चीज है. सो इनसॉल्युबल सब्सटेंस एंड सॉल्युबल सब्सटेंस, ये हमारा कंसेप्ट होता है. अब प्रॉब्लम बच्चों ये है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही बच्चों साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं. दैट मींस जैसे जैसे साइज बढ़ता है लैटिस एनर्जी हमारी कम होती जाती है. मतलब डाउन द ग्रुप, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, बोथ लैटिस एनर्जी डिक्रीज एज वेल एज हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन ऑल्सो डिक्रीज. डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी एज वेल एज हाइड्रेशन एनर्जी दोनों की दोनों डिक्रीज होती है. अब डिपेंड करता है कौन सी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रही है. अगर हाइड्रेशन डिक्रीज हो गई तो बच्चों प्लीज रिमेंबर, हाइड्रेशन लाइक अ मजा, आयंस को मजा आता है पानी में, आपको पानी में खेलना पसंद है. हाइड्रेशन एनर्जी आयंस को पानी में खेलना कितना पसंद है वो डिपेंड करती है, और लैटिस एनर्जी आयंस को आपस में कितना मजा आ रहा है, आपस में कैटायन एनायन का फोर्स कितना ज्यादा है, वो हमारी लैटिस एनर्जी. हमको ये देखना है कौन सी एनर्जी ज्यादा तेजी से डिक्रीज होती है. अगर बच्चों लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, बच्चों लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, आयन के बीच का फोर्स कम है, उनको अलग करना आसान होगा, डिसॉल्व करना आसान होगा. अगर लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो ऐसे में बंदे की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी तो बंदे की बच्चों सॉल्युबिलिटी कम होगी. सो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये सब जो कंपाउंड्स हैं, इनमें हम क्या देख रहे हैं बच्चों,
बच्चों इनमें हम क्या देख रहे हैं, नीचे जाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, नीचे जाने पे बच्चों सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इनमें आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इसको हम इस कंसेप्ट से कैसे बोलेंगे, व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी ज्यादा तेजी से बढ़ती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। बच्चों लैटिस एनर्जी के कम होने से सॉलिबिलिटी के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हुई है उसके कारण सॉलिबिलिटी थोड़ी सी घटेगी, लेकिन इसके कारण जो सॉलिबिलिटी में डिक्रीज आया है वो इसके डिक्रीज के कारण जो सॉलिबिलिटी में इंक्रीज आया है उससे अधिक है। बच्चों लैटिस एनर्जी के डिक्रीज होने से हमारी सॉलिबिलिटी को फायदा ज्यादा है। लैटिस एनर्जी में घटना सॉलिबिलिटी को फायदा देता है और हाइड्रेशन एनर्जी का घटना सॉलिबिलिटी को नुकसान देता है। जितना ज्यादा सॉलिबिलिटी बढ़ेगी उतना अच्छा है। सो आपको देखना है गेन ज्यादा है या लॉस ज्यादा है। सर्टेनली लैटिस एनर्जी के घटने से सॉलिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, यहां पे एक तरह से गेन ज्यादा है एज कंपेयर टू लॉस। अगर मैं इनमें बात करूं, इनमें मैं बात करूं क्या हो रहा है, नीचे जाने पे बच्चों सॉलिबिलिटी कम हो रही है, सर्टेनली यहां पर क्या हो रहा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा घट रही है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। तो यहां पे बच्चों सॉलिबिलिटी में जो डिक्रीज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो सॉलिबिलिटी में इंक्रीज है उसकी तुलना में। सो लैटिस के घटने से सॉलिबिलिटी जो थोड़ी सी बढ़ी उसकी तुलना में हाइड्रेशन के घटने से सॉलिबिलिटी ज्यादा डिक्रीज हुई है, इस कारण से इनकी सॉलिबिलिटी नीचे जाने पे कम हो रही है। नीचे वाले में क्या होगा आप खुद से बता सकते हैं। नीचे जाने में क्या करना है, आपने सॉलिबिलिटी बढ़ानी है, घटाना तो दोनों को ही है। लैटिस एनर्जी भी घटेगी, हाइड्रेशन भी घटेगी, लेकिन आपको किसको ज्यादा घटाना है? दोस्तों आपने सॉलिबिलिटी बढ़ानी है, सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए प्लीज इस लैटिस एनर्जी वाले नेगेटिव फैक्टर्स को कम करिए। जितना ज्यादा ये कम होगा उतना ज्यादा इस चीज के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपने लैटिस एनर्जी ज्यादा कम कर दी तो हाइड्रेशन एनर्जी उससे ज्यादा हो जाएगी और ऐसे केस में आपकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज अपने जरूरतमंद दोस्तों को इस वीडियो को बच्चों शेयर करिएगा सो दैट उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो पाए। ठीक है, बहुत जल्दी मैं अगला वीडियो भी बच्चों अपलोड करूंगा और अब ये वीडियो के अपलोड होने में देरी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने घर वालों का, अपने टीचर्स का बच्चों नाम रोशन करिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस और जो भी मेरे लायक हेल्प होगी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्दी से जल्दी उस आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड